खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक आलम बदी और विधायक नफीस अहमद, साथ ही राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी और मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों के एक डेलीगेशन ने जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह के साथ मुलाकात किया। इस बैठक में बुद्धिजीवियों और नेताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मांग करते हुए कहा कि विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है, ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। अगर हम नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं तो स्थानीय जिला प्रशासन हमारे ज्ञापन को स्वीकार करे, उसे शासन तक भेजे ताकि शासन भी हमारी मंशा से अवगत हो सके। यह हमारे मौलिक अधिकारों की लड़ाई है जिसे हम शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हमें अपनी बात कहने की छूट मिले, हमें कॉन्फ्रेंस करने की छूट मिले। साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा CAA और NRC के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसे लोगों को समझाया जाए, बताया जाए और लोगों की जो शंकाएं हैं उसे भी प्रशासन सुने। इस पर जिलाधिकारी और SSP आजमगढ़ ने कहा कि हमें आपकी बात सुनने और ज्ञापन लेने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अगर भीड़ बढ़ गई तो कहीं भीड़ बेकाबू ना होने लगे, इसका डर है। साथ ही ताहिर मदनी ने कहा कि मुबारकपुर और आजमगढ़ में कुछ लड़कों पर केस दर्ज हुआ था, उसमें बहुत से निर्दोषों को भी फंसा दिया गया है, उनके ऊपर गलत धाराएं भी लगा दी गई हैं, जो निर्दोष हैं उन्हें फंसाया ना जाए तो उस पर भी प्रशासन ने मदद करने की बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मौलाना ताहिर मदनी ने क्या कहा। आज आप लोगों की प्रशासन से बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, ये जो हम लोगों की बैठक थी, ये एक डेलीगेशन था जिसमें ज़िला के मुख्तलिफ जगहों से लोग आए थे और यहाँ DM साहब से, SSP साहब से बातचीत हुई। ख़ासतौर से हम लोगों ने ये कहा कि ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है उसके बारे में जो लोगों की शंकाएं हैं तो उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपना पक्ष रखने का मौका बराबर मिलना चाहिए, तो प्रशासन की तरफ से ऐसी रुकावट ना हो। लोग अगर धरना देना चाहें, मुजाहरा करना चाहें, कॉन्फ्रेंस करना चाहें, ज्ञापन देना चाहें तो उसका पूरा मौका रहना चाहिए। प्रशासन ने कहा है कि हमें मेमोरेंडल मिलने में और आपकी बातें सुनने में कोई हर्ज नहीं है, बस हम ये डरते हैं कि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो नियंत्रण से कहीं बाहर ना हो जाए, इस पर बात हुई। दूसरी बात हमने ये की कि अभी मुबारकपुर में और आजमगढ़ में जो केस दर्ज हुआ है उसके सिलसिले में ये बात मालूम हुई कि बहुत से निर्दोष लोग उसमें फंसा दिए गए हैं या ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो मुनासिब नहीं थी, तो हमने कहा कि उसको कंसीडर कीजिए और जो निर्दोष हैं उनको मुक्त कीजिए और दफ़ात के सिलसिले में भी नज़रसानी कीजिए। उन्होंने पूरा वादा किया कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, हम देख रहे हैं और किसी निर्दोष को उसमें फंसाया नहीं जाएगा, किसी का नाम अगर आ गया है तो उसका नाम निकाला जाएगा। बहुत ही खुल करके इस पर बात हुई और लोगों ने पूरा सहयोग करने का इस सिलसिले में वादा किया और पूरी यकीन दहानी कराई। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।